नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, जो ऐप लेकर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐप है। गूगल ने ये ऐप को बनाया है। ये करता क्या है, ये आपके फ़ोन को, मान लीजिए कहीं गुम हो गया है, कहीं चोरी हो गया है, आपको मिल नहीं रहा है, ये सारे केसेस को कवर करेगा और बताएगा कि कैसे आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, कैसे आप उसमें रिंग प्ले कर सकते हैं, कोई ट्यून प्ले कर सकते हैं, आप अगर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो आप डेटा को कैसे इरेज कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है, हमें चलना है प्ले स्टोर पर। दोस्तों हमें एक ऐप मिलेगा और उस ऐप का नाम है गूगल फाइंड माई डिवाइस। आप यहाँ देख रहे होंगे गूगल LLC और जो गूगल कंपनी ने बनाया हुआ है गूगल फाइंड माई डिवाइस, ये आप देखिए ऐप। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, 100 मिलियन प्लस से ज़्यादा इसको जो है डाउनलोडिंग मिल चुकी हैं और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है 1.8 MB का। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। ओपन करते टाइम दोस्तों ये आपसे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ID मांगेगा, जिस ID से आप लॉगिन हैं, जिस ईमेल ID से आप लॉगिन हैं, तो आप ईमेल ID को यहाँ पर दे सकते हैं। कंटिन्यू एस विवेक हम यहाँ पर करेंगे। आप साइन इन एज ए गेस्ट भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर दोस्तों आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए अदर दूसरे IDs पर भी जाकर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। हम अभी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट ID से लॉगिन कर रहे हैं। इसके बाद आपको डालना होगा यहाँ पर आपकी Gmail ID का पासवर्ड। दोस्तों तो Gmail ID का पासवर्ड जो है डालते से ही यहाँ पर हम आपको पासवर्ड डालकर दिखा रहे हैं। और जो मेन चीज़ है दोस्तों, इसमें मेन चीज़ हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ से 3 ऑप्शंस मिलेंगे और वह 3 ऑप्शंस क्या होंगे, हम यहाँ साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करते से ही दोस्तों आप देखेंगे ये हमारे फ़ोन को लोकेशन मांग रहा है, क्योंकि ये बताएगा कि आपका फ़ोन एक्चुअल में है कहाँ पर। तो हमने यहाँ से इसको लोकेशन दे दी है और हम यहाँ से लोकेशन ऑन भी कर देते हैं। ये लोकेशन ऑन करती है। अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे 75% बैटरी है हमारे में, Jio 4G लिखा आ रहा है और स्टेटस लिखा आ रहा है कि आपके ही हाथ में है ये। तो देखिए दोस्तों ये जो AI फीचर है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे मेरी लोकेशन पर भी लेकर आएगा। देखिए ये मुझे मेरी लोकेशन पर भी लेकर आ गया है कि मैं ये मेरा फ़ोन कहाँ है और लिखा हुआ है इन योर हैंड्स, ये अभी आपके हाथ में है। अब दोस्तों नीचे जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और इरेज डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ से करना क्या है, उसके पहले आप ये जो ऊपर सिंबल देख रहे होंगे आई का सिंबल, जो इसमें आपको आपका IMEI नंबर मिलेगा, ये भी हम आपको क्लिक करके बता देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये फ़ोन कब रजिस्टर्ड हुआ था पहली बार, आखिरी बार कब देखा गया, नाम फ़ोन का क्या है और IMEI नंबर क्या है। दोस्तों तो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से डन करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए ये फ़ोन मेरा कहीं रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से प्ले साउंड करूँगा और प्ले साउंड करते ही जो है इसमें जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रिंग होती है वो रिंग बजने लगेगी। ये मैं आपको यहाँ पर सुनाकर दिखा देता हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ये हमने यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया है। दोस्तों इस तरीके से आप साउंड को प्ले करके अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, अगर घर में ही कहीं रखा हुआ है या नहीं मिल रहा है और अगर कहीं खो गया है। तो दोस्तों ये सिक्योर डिवाइस आप सेकंड ऑप्शन देख रहे होंगे, इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप मैसेज देंगे, लॉक स्क्रीन मैसेज और फ़ोन नंबर दे सकते हैं। यहाँ बता सकते हैं, मान लीजिए किसी 3rd पर्सन को ये आपका फ़ोन मिल गया है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, उसको मैसेज दे सकते हैं कि ये हमारा फ़ोन है, आप हमें वापस कर दीजिए, इस एड्रेस पर हम खड़े हुए हैं। इस तरीके से ये मैसेज जो है वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों, तो आप ये मैसेज भी वहाँ पर दे पाएंगे। और जो तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको दिख रहा है इरेज डिवाइस का, ये हमारे फ़ोन में इनेबल नहीं है। उसका कारण ये है कि दोस्तों इमेजिन ये करना है कि अब ये फ़ोन खो गया है तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ से इस एप्लीकेशन को किसी दूसरे फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। ये आपको एप्लीकेशन दिख रही है गूगल फाइंड माई डिवाइस, अभी मैंने इस फ़ोन में आपको दिखाया, अब सेम टू सेम एप्लीकेशन को आप दूसरे फ़ोन में जो है इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद दोस्तों आप जो है अपने उस ईमेल ID पासवर्ड से, ये आप ईमेल ID पासवर्ड देख रहे हैं, इस ईमेल ID पासवर्ड से जो है ये विवेक 10 भारद्वाज जो लिखा हुआ है यहाँ से लॉगिन करेंगे
और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कर देंगे तो आपको ये नीचे का ऑप्शन देगा इरेज डिवाइस, और इससे डिवाइस में जितनी भी मेमोरी है, जो भी डेटा है, ये सभी आप एक क्लिक पर दोस्तों इरेज कर पाएंगे। और जैसे ही आप इरेज कर देंगे तो जिसको भी ये फ़ोन मिलेगा वो सिर्फ फ़ोन को फ़ोन की तरह यूज़ कर पाएगा, उससे आपका डेटा का कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपके डेटा को देख नहीं सकेगा, आपके जितने भी बैंकिंग फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सभी सुरक्षित रहेंगी, और ऑटोमेटिकली गूगल की साइट से उस पूरे डेटा को जो है डिलीट कर दिया जाएगा इस इरेज डिवाइस बटन की मदद से। तो दोस्तों आपको करना क्या है ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी अच्छा वीडियो है और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवारों में, सभी को जागरूक कीजिए और बताइए कि कैसे आप इस डिवाइस को अपने फ़ोन में रख सकते हैं, रजिस्टर्ड करके रख सकते हैं। सभी लोग रजिस्टर कर लीजिए इस एप्लीकेशन को, काफ़ी अच्छा ऐप है। और दोस्तों इसकी मदद से जो है आप यहाँ पर ईज़िली अपने फ़ोन को अगर आप कभी खोता है, मिलता नहीं है, तो आप देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, कितना बैटरी है, किस फ़ोन और का IMEI नंबर है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर फ़ोन नहीं मिल रहा है तो सेम डिवाइस को, सेम एप्लीकेशन को दूसरे डिवाइस पर लॉगिन करके जो है वहाँ से आप इरेज डिवाइस कर सकते हैं। बस ईमेल आईडी जिससे आपने अकाउंट बनाया है, जिससे आपका ये फ़ोन चलता है बाय डिफ़ॉल्ट, उस ईमेल आईडी को आप लॉगिन करके डिवाइस के डेटा को जो है इजीली इरेज कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।